Ramazan. मधेपुरा सदर थाना परिषद में शनिवार को सदर एसडीओ नीरज कुमार की अध्यक्षता में होली पर्व को लेकर शांति समिति की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में सदर एसडीपीओ अजय नारायण यादव, सदर थाना अध्यक्ष सुरेश प्रसाद सिंह, सदर प्रखंड विकास पदाधिकारी आर्य गौतम और अंचलाधिकारी योगेंद्र दास के अलावा शहर के कई समाजसेवी और गणमान्य व्यक्तियों के साथ साथ कई राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिगण उपस्थित थे। बैठक के दौरान पदाधिकारियों ने शहरवासियों से होली पर्व को शांतिपूर्ण माहौल और आपसी भाईचारे के साथ मनाने की अपील की और साथ ही लोगों से कोविड-19 के मद्देनज़र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश का भी पालन करने का अनुरोध किया। पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन के अनुसार होली में किसी भी तरह की कोई भीड़ लगाने पर पाबंदी है। वहीं सार्वजनिक स्थलों पर आपत्तिजनक गाना बजाने और डीजे पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा शराबियों और असामाजिक तत्वों पर पुलिस की विशेष नज़र रहेगी। ऐसे तत्वों पर पैनी नज़र रखने के लिए जगह जगह पुलिस के जवान वर्दी के साथ साथ सादे लिबास में भी तैनात किए जाएंगे और ऐसे तत्वों पर नज़र पड़ते ही उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। होली भी आ रही है, क्या तैयारी चल रही है? कोरोना के बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए हम लोगों ने इस बार जो होली की शांति समिति की बैठक की है, इसमें सभी सदस्यों से हम लोगों ने अपील किया है कि अपने क्षेत्र में जाकर कोरोना का जो प्रोटोकॉल है उसको बिल्कुल इम्प्लीमेंट अपने स्तर से भी सामाजिक स्तर से कराएं, ताकि जो जिस तरह से कंटेनमेंट जोन बन रहा है, हमारे ज़िले में भी दो बन गए हैं, तो ये बढ़े नहीं, इस पर हम लोग जो है बिल्कुल ब्रेक लगाएं। इसी उद्देश्य से आज शांति समिति की बैठक होली की आयोजित की गई थी, जिसमें शांतिपूर्ण ढंग से सौहार्दपूर्ण वातावरण में होली मनाने के लिए हम लोगों ने सभी लोग से अनुरोध किया है और मधेपुरा के सभी जनता से भी अनुरोध है कि कोरोना प्रोटोकॉल को पालन करते हुए होली मनाएं। एक तौर पर पैसा जमा हो जाएगा लोगों का, तो मिलन समारोह को लेकर के क्या है? चूँकि जो कोविड-19 का गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन को पालन करते हुए वो अपना कार्यक्रम कर सकते हैं। कार्यक्रम पे रोक कहीं नहीं है, लेकिन जो कोविड-19 का प्रोटोकॉल है, जो 21 मार्च तक डिपार्टमेंट ने जारी किया है, उसको फॉलो करते हुए अपना वो कार्यक्रम कर सकते हैं सीमित संख्याओं में।